21 जून को पूरे देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। वहीं फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित खेल परिसर में भी बड़े जोर शोर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, विधायिका सीमा तिरका, विधायक टेकचंद शर्मा, मेयर सुमन बाला और महिला आयोग की सदस्य रेणु बैठा सहित जिले के हजारों लोग योगा करने पहुंचे, जहां तक कि विदेशी नागरिकों ने भी योग शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और योग के गुर सीखे। विश्व योग दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लोगों को योग दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा कि विश्व योग दिवस प्रधानमंत्री मोदी की देन है। देखिए, आज फोर्थ इंटरनेशनल योगा डे पूरी दुनिया के ज्यादातर देशों में आज ये मनाया जा रहा है। ये हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरी दुनिया में इस योगा डे को मनाया जा रहा है, जिसको मान्यता मिली है। आज उसी निमित्त फरीदाबाद में भी योगा डे का आज शुभारंभ हो रहा है, जिसे मुझे आने का मौका मिला है। और ये दुनिया में योग को जगाने का, योग के द्वारा आदमी को स्वस्थ रखने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण पहल है, जिसको पूरी दुनिया में फैलाने का और योग को महत्व बताने के लिए आदरणीय मोदी जी ने का बहुत बड़ी देन है। इसलिए मैं समझता हूँ योग का हमारे स्वस्थ शरीर के लिए और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए सबको योग के प्रति मैं समझता हूँ ध्यान देना चाहिए। योग से सभी तरह के रोग दूर रहते हैं, शरीर स्वस्थ रहता है और मस्तिष्क भी स्वस्थ रहता है। ठीक।